स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो और भीमबेटका ऐतिहासिक काल की इस पेंटिंग्स में देखिए एक एलिफेंट राइडर नीचे डॉक्टर टूल्स भी है कुछ फादर मदर्स के लिए दे देगा इसलिए देखिए आ गया हाँ जी ना नारद जी है आप थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देना थोड़ा बता के भाई इधर से जी हैं और प्रॉक शेल्टर की देखरेख भी करते हैं थोड़े जानकार भी हैं थोड़ा बहुत काफी लंबे समय से यहाँ पे हैं सर जो भी नॉलेज है उससे आप इन सारे हमारे स्टूडेंट्स को अवगत कराइए और ये सारे स्टूडेंट आपके नॉलेज से कुछ कृतज्ञ हो पाएंगे कुछ कर पाएंगे आगे सर अपन किधर से चले आगे आगे से जो कृष्णा जी कहेंगे आगे बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देंगे साइट के बारे में फिर हम लोग ऐसे सर यहाँ 750 रॉक सेल्ट जो 10 एरिया में है 130 गुफाएं जो 4 किलोमीटर एरिया में फैली हुई सर और जो वाकनकर साहब ने सर 1957 में भीमबेटका की खोज की सर और 1958 से 72-74 तक उन्हें एक्सवेशन का काम किया खुदाई का इसमें कुछ टूल्स मिले कुछ नरकंकाल मिले हैं सर और जो पेंटिंग है जो इसमें चारों कलर की जो पेंटिंग है जो आपको दिखाएंगे यहाँ से 15 नंबर तक अपनी जो रास्ते बनाए गए हैं जो आपको हम दिखाएंगे और ये बड़ा गुफा है ना अभी हम आया ये ऑडिटोरियम उसका क्या महत्व ये तो नाम रखे गए हैं सभागरे पर जो जो रेलिंग लगी हुई थी सर वहाँ से कुछ नरकंकाल मिला है सर जो जो रेलिंग लगी नरकंकाल मिले वो अभी रखे सुरक्षित नरकंकाल पूना के म्यूजियम में रखे गए पूना में और जो टूल्स मिले सर जो आपको स्टेट डिस्कवर किए गए वो डॉक्टर संकालिया और बहुत से हैं जिन जिन प्रोफेसर ने काम किया उनमें अपने जैसे वाकनकर साहब ने लेके तो कुछ उज्जैन में भी है कुछ लेकिन कल पूना में कुछ नागपुर में भी है कुछ ऐसे हर जगह सचिन राय चौधरी साहब के पास भी जी सर 6 नंबर क्या है सीरियल नंबर नहीं है ये तो दे दिया गया यहाँ सर जो भी देखने का है सर भीमबेटका में ऐसी ही रॉक पेंटिंग चित्र बनी हुई है सर जिसमें जो सफेद कलर का जो पेंटिंग है सर ये पूरे पाषाण काल का है 10,000 वर्ष पुराना बताया गया सर इसमें जंगली जानवर जंगली भैंस वगैरह चित्र बने सर ऊपर साइड में वो यहाँ देखिए सर जो ग्रुप डांसिंग है कबीले के साथ में नाचते गाते हुए बताए गए सर ये ढोलक बजा रहे हो जो झुंडों में नाचते गाते बताया गया क्या है सर आदि मानव ऐसी गुफा में रहना जानवर का शिकार करना कच्चा मांस खाना फिर याददाश्त के लिए ऐसे चित्र बनाना ऐसी यहाँ 130 गुफाएं जो 4 किलोमीटर एरिया में
और ये सब झाड़ पेड़ों की पेट लाल हरा पीला वो ये गुफाएं देख रहे हैं सर, ये पानी के कटाव से कटी हुई है नेचुरल है, यहाँ गुफाएं कटी सर पानी के कटाव से कटी हुई है नेचुरल है। और भीम का तो ऐसा है सर, जो 12 साल का जो वनवास हुआ था उस समय पर यहाँ गुफा के ऊपर उनके चारों पांचों के बैठने के आसन पाए गए, कुछ ब्राह्मणी लिपि में उनके नाम वगैरह पाए गए, इसलिए इसका नाम भीम बैठ का रखा गया। फिर यहाँ से पचमढ़ी गए सर जब पांडव गुफाएं हैं, तो पहले क्या है सर किसी समय नीचे नहीं लगी हुई थी चढ़ के देखने के लिए, तो वहां से कोई गिरने से वो नीचे नहीं हटा दी गई, इसलिए अपन देख नहीं पाते हैं। अच्छा उसमें जी जिनको भी फोटो लेना है ले सकते। आइए सर आपकी याद हो रही सर, आप आएंगे जब पीछे सारे लोग फोटो ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं दीजिए फोटो, मैंने बोल दिया शिकार करते हुए बताए गए। और ये औजार है सर, ये पत्थर के औजार जो यहाँ से खुदाई में मिले सर, जो भोपाल नीचे में रखे गए, आपको मानव संग्रहालय स्टेट पुरातत्व संग्रहालय में देखने को मिलेंगे सर, टूल्स वगैरह उसमें भी कुछ लड़ाई करते हुए बताए गए। हार्पून से जिसको बोलते हैं ना स्टोन हार्पून, वो है वो म्यूजियम में? हाँ है, वो उसी में है क्या संग्रहालय में? म्यूजियम में भी है, कुछ आर्कियोलॉजी में भी है, स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूजियम। परिचारक हैं, परिचारक का मतलब सारी चीजों की देखरेख करते हैं, पर इसके ज्ञाता भी हैं। हाँ। ये हमारा सौभाग्य जी हमें ज्ञाता के साथ घूम रहे हैं। जैसा वो कबीला रहा वो चला गया, दूसरा कबीला आया, ऐसी टाइप की पेंटिंग। तो मतलब यहाँ पे प्रागैतिहासिक मानव के ग्रुप आए रहे और चले गए, छोड़ के चले गए या मिटाए, किसी के नहीं, एक के ऊपर ऐसे बना। नहीं अभी राव साहब खदेड़ दिए गए सर। एक प्रश्न था आपसे, मोर कृष्णा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, ये देखिए मोर का चित्र सर, इसको जरूर भोपाल का है, इधर सर ये हिरण बने हैं इस साइड बना के। एक प्रश्न था ने बनाया, तो जनरेशन शिफ्ट कैसे हुई? चार पीरियड के चित्र मिलता है, आप बताएंगे। एक्चुअली क्या है, हम लोग उस टीम से जुड़े
हरा है हाँ। हरे पीले में दोनों है, देख लीजिए ये लोग भी जैसे। ये फूल है, गमला है, गमले में फूल बना है, साइड में पत्तियां हैं, घोड़ा भी है। वो क्या चीज है वहाँ? कौन सा? वो हाथी। आ गए सर आप? ये गमला है सर, गमले में फूल बना है, साइड में पत्तियां हैं, घोड़ा है, वो हाथी है। और जो हरा पीला कलर से जो गुप्तकालीन पीरियड का है सर, ये 2000 वर्ष पुरानी बात है। चक्रवर्ती जी और गिरिराज कुमार के बीच में एक्चुअली ग्रीन जी कंफ्यूजन ए के सेल्टा कंफ्यूजेटेड किया। आप देख सकते हैं इसे मेसोलिथिक पीरियड टू हिस्टोरिकल पीरियड से पेंटिंग मिलता है। ये हाथी भी बहुत सुंदर है, हाथी बहुत सुंदर है। घोड़ा घोड़े का वो गर्दन का पोर्शन देखो ना, हाथी के साथ उसकी पूंछ। गमला है ना, वो तो बहुत बात का, अभी बात का होगा गमला तो, फिर बहुत बात कर आएगा। गणेश जी का चित्र बना हुआ है, 2000 वर्ष पुरान बता। इसमें ये पुरानी पेंटिंग है सर जी, ऊपर वाली सर, उस साइड की जो बात वो फूल हाँ जी, गमलो जब वो जो पेड़ वगैरह है साहब। पांडे साहब ने एक बढ़िया चीज बताई थी, एस सी पांडे साहब ने, कि यहाँ आप देखिए दो तरह के चित्र मिलते हैं, मतलब चित्र तो लाइनर ड्राइंग वाले और दूसरे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में डिजाइन वाले। ये फिर अंदर अंदर डिजाइन और ये देखो सिंगल लाइन वाले, सिंगल लाइन दो के अलावा भी है। और हाँ ये इस टाइप ये तो भी हाँ है ना, ये काई ये पक्का रेस्टिंग के लिए है, सिटिंग रेस्टिंग के लिए और रेस्टिंग ये पीछे से टूट के गिर गया है।
ये देख रहे हैं जो नेचुरली साफ हो जाता है, अंदर बने सो कटिंग भी हो जाता है, विंड स्पीड भी हम मेजर करेंगे तो समटाइम्स इट इज 80 डिग्री, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, इट्स इन कंटीन्यूअस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सबसे बड़ी पेंटिंग हां यहां से ले लीजिए, हां से उधर से आके यहां से ले सकते हैं। अभी फोटो सर जाके इधर उत्तम है तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वही वही है। उनके लिए मक्का है, काफी क्या था ये सब बार बार तो आने वहां पे भी तो बने हैं, उधर भी बने हैं। और सबसे मेन बच्ची चंद्र को देखा तो सर गुफा से बात चलो सब लोग आ जाओ। गुफा से बाहर आने के बाद सोनी जी हो गए तो प्रागैतिहासिक मानते टॉप पे आइए कछुआ देखिए सर चाहिए कोई आने भैया थोड़ा सा एक साइड
क्या घूम रहे हैं हमारे पास तो 150 है दिल्ली के प्रोग्राम सेलिब्रेशन में इंजीनियर साहब को लेके भाई पिंकू सारी हुई रही हाँ होगा छोड़ दी ना तुम ही लोग हाँ कहे नहीं नहीं हाँ ठीक ठीक चीजें हैं लेकिन हाँ। उसका जो फेस है हाँ। इन जान नहीं है नहीं बराबर है ना हाँ। एक चीज दूसरी जिस तरह कर रहा है उस तरह कोई ना कोई फिगर होगा जरूर वो इसमें मिटा हुआ है हाँ, होंगे हाँ। तो वो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि इस आपके पास कितने जानवर हैं नहीं आपके पास नहीं ये एरिया में आपके पास में एरिया में हाँ, उसकी सवाल ही उस वक्त नहीं डॉक्टर साहब आप ओपिनियन नहीं दे रहे हैं गलत बात आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं साहब आ रहे हैं पूरा ये हुआ ना देखिए कुछ फिलअप हुआ है टोटल फिलअप हुआ है वो बात का अच्छा और जो ओपन है आउटलाइन जो है वो मतलब पहले का पहले और कलर वाला कलर सेम पीरियड का घोड़े से चित्र खाली आए सर तरुण और प्रौढ़ रहते थे वो कलर बनाते थे और ऐसे नहीं तो नहीं था सवाल है किसका मतलब ऐसा नहीं पेंटिंग का शुरू होता है मतलब नेचुरल पीरियड को जो होता है
आ जाओ जल्दी आओ Very impressive. And there was no rock art from Maharashtra previously. So this is a wonderful addition to the heritage of Maharashtra. Was told me इसमें Deccan trap है, ये जो amateur like. And because the traps are not good enough for shelter formation, so probably there could be no rock art. But you have proved them wrong. जी एंड सम 7000 हां सर जी सर नमस्कार थैंक यू सर इतना पत्थर की कटिंग की एज बताती है पत्थर कैसे टूटा वो अगर पत्थर टूटता ना दूसरे तरीके से टूटता कोई चीज बीच में कभी सैंडिंग प्लेसेस होती है उसके पत्थर पे जो क्रैक आते हैं वो अलग तरीके से आते हैं और है कि जैसे दूसरी बात और चीज आपकी लेवल बना लेवल के ऊपर सॉइल का एक कैसा बोलो काम का यहां से निकल आई थिंक सर जो फाइट में है ना वो